तो भाई ये है अपनी ढोलक और इसको। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 4:47 हो रहे हैं। और यार आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यूज़र आईडी आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। और आज मैं आपको अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहा हूँ। और यार बेसिकली मैं थोड़ा बहुत म्यूजिक से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे पास कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं, तो चलिए उनके बारे में डिटेल वीडियो बनाते हैं। अब तक के लिए आप बने रहे ब्लॉग में। और हाँ गाइस, यार वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, मैं उसके पीछे रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ अगली वीडियो में। और यार प्लीज़ यार आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहे ब्लॉग में। हाँ तो भाइयों आ जाइए, अब अपन शुरू करते हैं अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का वीडियो। तो ये मेरा कीबोर्ड है, इसका मॉडल है CKT 7300 इन केसियो कंपनी का है। और इसमें लगभग 1000 से 1500 टोन्स के आसपास है। और भाई इसका बेस्ट फीचर इसमें ये है कि इसमें इंडियन टोन्स भी दी हुई है साथ में। और इसका एक ये इसका बुक स्टैंड है, इस पर आप अपनी बुक वगैरह रख सकते हो। और ये इसके कुछ बैक के फीचर्स है, इसमें SD मेमोरी कार्ड इंसर्ट हो जाता है। और ये इसका USB स्लॉट, इसमें USB पिन चल जाती है, अपनी मॉनिटर से कनेक्ट हो जाता है। और एक इसमें बेस्ट फीचर्स ये कि इसमें माइक का अलग से एक्सटर्नल दिया हुआ है, ये माइक वॉल्यूम सेट वगैरह कर सकते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। और ये इसका अडेप्टर है, ये आप देख सकते हो फुल मेरा केसियो, ये इसका डिस्प्ले दिया हुआ है। इधर से टोन्स आप रोटेट करके भी चेंज कर सकते हो। और रिकॉर्डिंग सिस्टम वगैरह सब दिया हुआ है इसमें। ये बैंक कैच है, 6 टोन स्टोर हो सकती है, उसके बाद अलग से स्टोर करना पड़ता है। ये इसकी इंडियन टोन्स वॉल्यूम, ये इसका मिक्सर है यहाँ पर। और इसके स्पीकर्स वास्तव में बहुत अच्छे हैं। और इसका थोड़ा मैं आपको साउंड भी देता हूँ। हाँ तो यार मैं इसका आपको साउंड टेस्ट करवाता हूँ अब। तो ये देखो, इसका अपन इंडियन बीट चलाते हैं गरबा टोन में। कीबोर्ड था, मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी गिटार। और ये मेरी गिटार है, और बजाना तो मेरे को आती नहीं है भाई बिल्कुल भी। बाकी ट्यून वगैरह इसका भी बिल्कुल सेट है। और इधर इसका ट्यून का है, इसमें कुछ सिस्टम दिया हुआ है जो ख़राब पड़ा है अभी, तो चल भी नहीं रहा। बेसिकली बजाना नहीं आता है, मेरी सिस्टर की गिटार है, उसको भी नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता। एक शौक के तौर पर रखी हुई है, ये आप देख सकते हो, ये मेरी गिटार है। तो भाई ये है अपनी ढोलक, और इसको मैं अच्छा खासा बजा लेता हूँ। और सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट मेरे को ढोलक ही लगती है मेरी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसी ढोलक है। तो बेसिकली मेरे पास दो ढोलक है, एक ये छल्ले में और एक दोनों तरफ नट से, ये गजरे वाली पुड़ी है इसकी। और इधर कुछ पता नहीं क्या हल्दी वगैरह सा लग रहा है। ये अपनी ढोलक है भाई, बिल्कुल अभी तो परफेक्ट है। इसका थोड़ा बेस हल्का हो चुका है क्योंकि बजाया नहीं है इसको बहुत टाइम से। मैं अपनी दूसरी ढोलक यूज़ में लेता हूँ, तो मैं आपको अपनी दूसरी ढोलक दिखाता हूँ। तो ये अपनी दूसरी ढोलक है जिसको मैं ज़्यादा यूज लेता हूँ। और ये ढोलक वास्तव में बहुत अच्छी भी है, इसकी लकड़ी वगैरह सब अच्छी है। ये थोड़ा तौलिया रखा हुआ है इसके ऊपर सेफ्टी वाइज, ये साइड में रखते हैं। ये रही अपनी भाई दूसरी ढोलक, बैक को रखते हैं साइड में, आवाज़ सुन सकते हो आप इसकी। मैं थोड़ा प्ले करके भी दिखा दूंगा आपको। ये देखो इसका बिल्कुल मल्टी कलर में इसको उन्हें दिया हुआ है, और वही सेम गजरे वाली पुड़ी भी इसमें हुई है। ये ढोलक वास्तव में बहुत अल्टीमेट ढोलक है, एकदम प्रोफेशनल ढोलक आप इसको कह सकते हो। और डबल नट्स बोल्ट में दी हुई है ढोलक। तो मैं इसको थोड़ा प्ले करके दिखाता हूँ आपको, इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। बस्ती भी बहुत शानदार है। तो चलिए यार इसी के साथ आज का वीडियो क्लोज करते हैं। ये अपने कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, इसको अपन थोड़ा बहुत प्ले कर लेते हैं। और यार आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यूजर आईडी आपके सामने आ रही होगी नीचे स्क्रीन पर, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। और ये जो केसियो है मेरा, बेसिकली मैंने ये जयपुर से, जो लोग होंगे तो कल्याण जी के रास्ते से मैंने ये परचेस किया था। और ये ढोलक भी मेरी दोनों वहीं से परचेस की हुई है, और गिटार मेरी टॉक रोड से परचेस की हुई है। तो इनका हो सकता है तो मेरे को अगर मिलता है इनका कुछ लिंक वगैरह तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।